दोस्तों ये संयोग तो नहीं हो सकता कि सातवें चरण में बलिया में भी वोटिंग होने जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में से एक सीट बलिया भी है जिस पर 1 जून को वोटिंग होगी। लेकिन उससे 48 घंटे पहले ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और तो और अखिलेश यादव के बेहद करीबी और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे नारद राय ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। चलो यहां तक तो ठीक था, ये बगावत तो चलती रहती है, लेकिन इन सब के बीच जब उसी व्यक्ति ने भाषा की सीमाओं को पार करने की कोशिश की, उसके बाद अखिलेश यादव ने ऐसा मजा चखाया है कि वही नेता फूट फूट कर रोने लगा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नारद राय की। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार में नारद राय न केवल मंत्री रहे बल्कि अखिलेश यादव उन्हें भरपूर सम्मान दिया करते थे। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बलिया सीट पर अपने ही भाई के साथ भिड़ गए थे नारद राय। वो वीडियो भी सबने देखी थी जब वो फूट फूट कर रो रहे थे कि किस तरह से व्यवहार उनके साथ किया जा रहा उनके ही परिवार के लोगों की तरफ से। लेकिन अब बात यह नहीं है, आज बात यह है कि जिस 48 घंटे में नारद राय ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था उन्होंने अब सारी हदों को पार कर दिया। लेकिन जब नारद राय का एक बयान सामने आया उसके बाद अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अपने एक करीबी नेता, अपने एक कमांडर जिसने बगावत की सारी सीमाओं को पार किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने कैसे मजा चखाया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। वैसे अगर ये मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, तो बस एक अपील आपसे भी करना चाहूंगा दोस्तों कि कम से कम ये बात अब समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव को समझ लेनी चाहिए कि नारद राय जैसे लोग हों या फिर वो तमाम नेता जिन्होंने मुसीबत की घड़ी में जब पार्टी लगातार कमजोर हो रही थी ऐसे वक्त में अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, तो जब 4 जून को नतीजा है तो ऐसे नेताओं को हरगिज अपने साथ शामिल न करें। ये दबाव नेताओं पर बनाना होगा, तभी ऐसे नेताओं की अक्ल ठिकाने आएगी। क्योंकि बात अगर वो चुनावों के ऐलान से पहले या पहले चरण के मतदान के वक्त ही अगर वो समाजवादी पार्टी को अलविदा कह देते तो मान भी लिया जाता कि चलिए ठीक है, लेकिन छठे चरण की वोटिंग के बाद और सातवें चरण की वोटिंग से 48 से 72 घंटे पहले नारद राय ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद एक ऐसा बयान दे डाला है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी आग बबूला हो जाए। पहले वो बयान दिखाने जा रहा हूं क्या लिखा है। 3 दिन में सपा की 13वीं कराऊंगा, बलिया में वोटिंग से पहले नारद राय ने दी चुनौती। खबर क्या है, खबर मैं पढ़कर बता देता हूं। खबर है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बलिया से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे नारद राय बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद वो खुलकर सपा और अखिलेश यादव को लेकर बयान दे रहे हैं। बलिया में वोटिंग से 3 दिन पहले उन्होंने दावा किया कि वो 3 दिन में सपा की 13वीं करवा देंगे। नारद राय बलिया के बड़े भूमिहार नेताओं में शामिल थे और समाजवादी पार्टी के साथ शुरुआत से ही जुड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव से नाराजगी के बाद उन्होंने सपा छोड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद इंडिया टीवी से बात करते हुए नारद राय ने कहा कि अब समय बहुत कम है और काम ज्यादा है। उन्होंने जो बयान दिया उसे पहले आपको सुनना चाहिए और फिर मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे बयान देने वाले लोगों को दोबारा से पार्टी में शामिल कराया जाता है तो आपको अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। क्योंकि अखिलेश यादव के साथ एक दिक्कत जरूर है, हो सकता है आपको बुरी लगे लेकिन ये बात है, अगर उनके पास कोई लौट कर आता है तो बड़े सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं उसके साथ। वो ये नहीं देखते कि किस किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, वो कभी ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति ने मुसीबत के समय में हमारा साथ छोड़ा, वो आराम से उसे गले लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ी कमी मानता हूं। ये काम आप देखिएगा बीजेपी में नहीं होता, अगर हो भी जाएगा तो उस नेता को वहीं उसी जगह उसके हैसियत के हिसाब से उसे रखा जाता है। जाकर पता कर लीजिए कांग्रेस के कितने नेताओं को आज भी बीजेपी और खासकर मोदी शाह बहुत विश्वस्त मानते हैं, जाकर देख लीजिए। नहीं मानते, सिर्फ चुनाव जीतने और हारने तक सीमित रखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अखिलेश यादव के साथ ये दिक्कत है, जो उनसे मिलने आता है उसे अपना बना लेते हैं, बगावत भी करता है फिर लौट कर आता फिर अपना बना लेते हैं, यह हकीकत है। इसलिए नारद राय लौट कर आए तो ध्यान रखिएगा ये दबाव बनाना हो। पढ़िए पहले, समाजवादी पार्टी की 13वीं कराने की चुनौती थी, उन्होंने चुनौती दी कि 3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी की 13वीं कराऊंगा 3 दिन के अंदर, और बलिया में अखिलेश यादव की साइकिल पर ताला लगाकर कमल के फूल वाला बटन दबाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने कोई लक्ष्य नहीं दिया और ना ही हमने भारतीय जनता पार्टी में कोई शर्त रखी है, हमने तो खुद ही संकल्प लिया है। ये बात वो कहते हुए नजर आए, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया। दरअसल अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं, सबको पता है। ऐसे में वो प्रचार कर रहे थे तो तमाम पत्रकारों ने कहा कि भाई ये बलिया में सातवें चरण में वोटिंग होने जा रही है, आपके कभी खसम खास राय करते थे नारद राय, आपने सम्मान भी दिया, मंत्री बनाया, तमाम चीज़ें थी,
ऐसे में नारद राय का यह बयान है कि 3 दिन में 13वीं करा दूंगा, तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया यूपी तक ने उनका इंटरव्यू किया था, 3 दिन में सपा की 13वीं करने को लेकर नारद राय के बयान पर अखिलेश यादव ने दिया जवाब, कहा 13वीं 13 दिन बाद होती है, बयान के 13 दिन बाद देखना कि किसकी 13वीं होती है। और ये बात पर अडिग रहना होगा क्योंकि ऐसे नेताओं पर, क्योंकि सत्ता के दम पर जो कुछ काम बीजेपी कर रही है छिपा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि क्यों शुभेंदु अधिकारी, क्यों हेमंत बिश्व शर्मा, क्यों छगन भुजबल, क्यों अजित पवार, क्यों अशोक चौहान, क्यों मिलिंद देवड़ा, मतलब ऐसे लोग, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह जैसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तो खैर कोई आरोप नहीं लग पाया, लेकिन इन जिन लोगों की फहरिस्त मैंने आपके सामने रखी इन पर आरोप खुद मोदी शाह बीजेपी के नेता लगाते हैं, लेकिन इन पर अब कार्रवाई नहीं होती क्योंकि सारे के सारे या तो बीजेपी में शामिल हो गए या फिर मोदी शाह के सामने माथा टेक रखा है। लेकिन कार्रवाई किस पर होती है, हेमंत सोरेन, शिवपाल सिंह यादव को सीबीआई जांच की धमकी दी जाएगी, हाँ अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया जाएंगे, संजय सिंह जाएंगे, ममता बनर्जी के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के घर पर रोजाना ईडी और सीबीआई दस्तक देगी, ये काम लगातार हो रहा है, लगातार हो, समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी, आजम खान, इन नेताओं को जेल में ठूसा जाएगा, तो ये काम हो रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सारे के सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अब तो खुल गया ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला भी खेल कि कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे के बाद चंदा बटोरा गया और टकारा और लीला गया है बीजेपी की तरफ से, इसी की वजह से देखिए बीजेपी के आलिशान दफ्तर बने हुए हैं। अब ये सवाल है कि भाई ऐसे नेताओं को, क्योंकि भाई बीजेपी ने दे दिया है भाई विरासत में छोड़कर जा रही है ना, कि अपनी विपक्षी पार्टी का जो भी नेता हो बख्शो मत किसी भी कीमत पर। क्योंकि अगर आप आजम खान का जिक्र करता हूं तो देखिए उनकी पत्नी के साथ क्या सलूक किया बीजेपी ने, ये सब ने देखा, तो ऐसा तो नहीं है ये भ्रष्टाचारी सिर्फ यही है, लगा लीजिए आरोप। अभी जब फाइल खुलेगी तो ये फाइल खोलनी होगी अखिलेश यादव को। आगे इस दौरान अखिलेश यादव ने ओपी राजभर माफिया समेत अन्य मुद्दों पर भी दो टूक बात कही, कई आरोप भी लगाए ये कहा गया, लेकिन कुल मिलाकर अपने एक कमांडर जिसने बगावत की एन मौके पर, एन वक्त पर जाकर जब सातवें चरण में वोटिंग होने जा रही है, उसके अच्छे से कान मरोड़ती है। अब वो समझ गए होंगे कि ज्यादा भूलना घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अब मैं आपको क्लियर बता दूं कि जिन 57 सीटों पर सातवें चरण में वोटिंग होने जा रही है उनमें से 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में से तकरीबन 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की जीत पूरी तरह से आश्वस्त है। कुछ सीटें हैं 3-4 सीटें जहां कांटे की टक्कर है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं 2-3 जिस पर बीजेपी जीतने जा रही है, ये बात भी सच है, जिसमें वाराणसी ले लीजिए, गोरखपुर को भी ले ही सकते हैं आप, लेकिन इन सब के इतर जो ये बलिया है, आप कुशीनगर चले जाइए, देवरिया चले जाइए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का मजबूत आधार देखने को मिल रहा है। फिलहाल बलिया में अगर जीत होती है तो अपने इस कमांडर की इस भाषा शैली को अखिलेश यादव को याद रखना होगा और जवाब भी देना होगा। नमस्कार।